बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, अभी करंट सिचुएशन काफ़ी अच्छी चल रही है शिबा इनू कॉइन की, ग्रीन में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में डाउन भी काफ़ी गया था, 17-16 तक की सीरीज तक गया था। इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें, अभी जो सीरीज चल रही है वो 17-18 तक थी कल, और आज 21 पे ट्रेड कर रहा है। इस टाइम पे 9-10% का अप आया है, और आने वाले टाइम में और भी अप आ सकता है। क्यों ये अप क्यों आया? एक तो सबसे बड़ा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है इलॉन मस्क के नए ट्वीट के साथ। उस इलॉन मस्क के जो ट्वीट आए हैं उसमें से कुछ भी नहीं है, उसमें एक इमोजी है, और उसमें जो डॉग है उस डॉग का कनेक्शन शिबा इनू कॉइन के डॉग के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में शिप के प्राइस इंक्रीज होने का एक वो रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ट्वीट आया तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होते हुए, तो प्राइस से मतलब होना चाहिए, प्राइस आपका जो है शिबा इनू कॉइन का अभी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से इलॉन मस्क का ट्वीट आ गया, वो सब मैंने आपको बता दिया था, एक नया ट्वीट आया। और इलॉन मस्क का तो पता है आपको ट्वीट की पावर, वो अगर किसी क्रिप्टो करेंसी की इमोजी भी कर देना, एक इमोजी की भी कनेक्शन जुड़ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी से, और खुल के अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का नाम भी ले दें तो उस क्रिप्टो करेंसी को तो 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। तो ये इलॉन मस्क की ट्वीट की पावर है। तो ये इलॉन मस्क का ट्वीट आया और प्राइस इंक्रीज हुए। और एक सबसे दूसरी बड़ी अपडेट क्या हुई कि रिसेंटली मैंने ट्विटर पे अभी देखा है, एक कंपनी है ब्राज़ील की, वो अपार्टमेंट्स के लिए, अपार्टमेंट सेल करने के लिए शिबा इनू कॉइन को एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। ये चीज़ पे मैं खुद रिसर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो अपडेट आई है यही है कि अपार्टमेंट्स के लिए भी शिबा इनू कॉइन एक्सेप्ट होने वाला है एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो बड़े लेवल पे शिबा इनू की पेमेंट्स एक्सेप्ट होने वाली है फ्यूचर में। मैंने ये चीज़ आपको बोली थी और यहाँ पे अब ये चीज़ भी निकलती हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें शिबा इनू कॉइन को लेके हो रही हैं पिछले कुछ दिनों में। लिस्टिंग्स भी इसकी काफ़ी जगह हुई, और आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग आपको और भी देखने को मिल सकती हैं। अब अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग्स होती क्या हैं, जिनकी कोई अपडेट नहीं आती, एकदम से लिस्ट हो जाता है। आपने कई लिस्टिंग देखी होंगी पिछले वीक में, आपको मैंने हर लिस्टिंग के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, शिबोशिस को लेके आए वो तो हो गया ख़त्म, शिबेरियम को लेके आएंगे, और क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, गेमिंग लेके आ सकते हैं, और साथ के साथ सबसे बड़ी चीज़ अभी रॉबिनहुड की लिस्टिंग बाकी। गेम चेंज तो रॉबिनहुड की लिस्टिंग भी करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, और जब भी अनाउंसमेंट आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी डिले हो गया है, काफ़ी डिले हो भी रहा है, पता नहीं कब लिस्टिंग होगी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर के एंड तक लिस्टिंग हो जानी चाहिए। दिवाली से पहले रॉबिनहुड के ऊपर अगर लिस्ट हो जाता है तो काफ़ी अच्छे गेन्स और देखने को मिल सकते हैं शिब कॉइन के अंदर। और शिबा इनू कॉइन के अगर होल्डर की बात करें, 7,37,000 के करीब होल्डर हो चुके हैं, मतलब 7,40,000, और जल्दी ही 8,00,000 का जो टारगेट है अगले महीने भी टच कर सकता है, अगले महीने के एंड तक या दिसंबर तक टच कर सकता है, डिपेंड करता है। अगर प्राइस अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं और भी, तो जल्दी 8,00,000 के होल्डर टच कर सकता है, ठीक है। एक दिन में, दो दिन में 40-50,000 होल्डर आ गए थे जब प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो डिपेंड करता है, अगर अच्छे गेंस आते हैं तो होल्डर अपने आप आ जाएंगे, और जल्दी 8,00,000 भी होल्डर हो जाएंगे, और 1,000,000 का टारगेट तो है ही दिसंबर जो है 10,00,000 होल्डर का। तो ये कुछ करंट सिचुएशन चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लीश और बोन वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लीश के प्राइस भी इंक्रीज़ हुए हैं अच्छे खासे, बोन के भी हुए हैं, और लीश और बोन का जो इकोसिस्टम के टोकन्स हैं ये भी काफ़ी जगह लिस्ट हो रहे हैं। अब आने वाले टाइम में इनकी भी लिस्टिंग्स होती हुई दिख सकती हैं। तो इकोसिस्टम भी स्ट्रांग होता हुआ, सारी चीज़ें डायरेक्शन में सही चल रही हैं। एक साल का टारगेट हमने लेके चले हैं कि 2022 तक एंड तक एक्सपेक्टेशन है शिबा इनू कॉइन से कि 1 रुपी को टच करे या 1 रुपी से ऊपर भी जाए, ठीक है। ये चीज़ होती हुई आपको दिखेगी 2022 में, और जब Q1 का टाइम चलेगा 2022 का, मार्च अप्रैल तक भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं शिबा इनू कॉइन में। तो 6 महीने का जो टारगेट है, पहले 6 महीने का टारगेट देखेंगे, फिर वहाँ से अगला 6 महीने का देखेंगे, मतलब 2022 के एंड तक का, और 1 रुपी का टारगेट रहेगा, ठीक है, 1 रुपी से ऊपर भी जा सकता है। तो आगे जो अपडेट्स रहेंगी शिबा इनू कॉइन को लेके, सब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी सब चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हैं, और बर्निंग हो सकती है फ्यूचर में, कैसे होगी सब चीज़ें, जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो यही कुछ अपडेट्स थी आज शिब कॉइन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।